हरियाणा के रादौर के झिवरेहड़ी स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा थड़ा साहिब के रखरखाव को लेकर गुरुद्वारे की लोकल कमेटी व हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान के बीच तकरार चल रही है। इसी को लेकर आज हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य जसबीर सिंह खालसा ने गुरुद्वारा थड़ा साहिब में पत्रकारों से बातचीत की। इस मौके पर खालसा ने कहा कि बीती 13 मार्च को अमावस्या के दिन हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान बलजीत सिंह दादूवाल लगभग 100 से अधिक पुलिस कर्मचारियों को लेकर जिस प्रकार गुरुद्वारा थड़ा साहब में पहुंचे तो इससे गुरु घर की बेअदबी हुई है, जिससे संगत में भारी रोष है। उन्होंने कहा कि गुरुद्वारा थड़ा साहिब झिवरेहड़ी में सरकार की शह पर हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कुछ लोग अपना दावा जता रहे हैं। सरकार इस प्रकार की साजिश करवाकर सिखों में फूट डालना चाहती है, लेकिन क्षेत्र की संगत गुरुद्वारा थड़ा साहिब की लोकल कमेटी के कार्यों से प्रसन्न है और लोकल कमेटी के हाथों में ही गुरुद्वारे के हित सुरक्षित मान रही है। उन्होंने कहा कि यदि हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान बलजीत सिंह दादूवाल गुरुद्वारा थड़ा साहिब झिवरेहड़ी की व्यवस्था अपने हाथों में लेना चाहते हैं तो इसके लिए हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से सदस्य 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करें, तभी गुरुद्वारा थड़ा साहिब की व्यवस्था हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हाथों में जा सकती है। उन्होंने कहा कि अब गुरुद्वारे की लोकल कमेटी इस मुद्दे पर हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से कोई बात नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि 2014 में हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रदेश में गठन होने के बाद गुरुद्वारा थड़ा साहिब में लोकल कमेटी ने कार्यभार संभाला था। लोकल कमेटी के लगभग 7 वर्षों के कार्यकाल में कमेटी ने लगभग 1 करोड़ रुपए गुरुद्वारे के विकास कार्यों पर खर्च किए हैं। प्रधान बने हरियाणा कमेटी के दादूवाल जी, बलजीत सिंह दादूवाल, जिन्होंने एक ऐसा काम कर दिया वे हरियाणा के विच जो आज तो 70 साल पहला ना श्रोमणी कमेटी का टाइम होया तो ना ही पहला साढ़े हूँ असं 14 में इतने आए हैं 2014 तो उस बाद होया भी उन्होंने ऐसा काम किया है कि इतने घट तो घट 100 बंदा फोर्स तो लैके तो जिमें धाड़वी आते हैं इस तरीके आए ने और आके तो इतने कभी किसी तबका तो कभी किसी तबका तो कभी किसी को कुछ कह तो पिस्तौलों के बंदूकों के नाल जिमें कब्जा करना आए ने वो इस तरीके आए हैं। पर असी फिर भी ये अपने गुरबाज सिंह जी जे असी लोकल कमेटी के प्रधान बनाए हुए हैं असं उन्होंने शाबाश देने कि जिन्होंने अपनी सूझबूझ नाल और इन्ना वड्डा एक इन्होंने एक हंगामा करने के बावजूद भी उन्होंने हर अवस्था में कामयाब रखा है तो कोई झगड़ा नहीं होने दिता तो किसी किस्म की कोई गल नहीं हो दिती है। पर ये इस करके कर रहे हैं कि ये कब्जा करके इतने तो सानू जरा अज 20 साल असी कंटिन्यू संघर्ष किया 6 साल सरकार ने जो कमेटी बनाई है सानू दोबारा फिर उस ही पैटर्न पर लियाना चाहते हैं जेडे तो पहला सानू पंजाब की SGPC ने लिया के रख्या होया सी। जो दादूवाल गल कर रहा हो जो दादूवाल काम कर रहा हो शायद वह सरकार की शह उत्ते ही कर रहा हो क्योंकि सरकार के ही तरीके आता है तो सरकार के बंदे उस नाल लैके आता है तो अपना ये काम करके तो चलता पता है। हुण असीं ये बेनती करते हैं कि आने वाली मीटिंग जिवें कह के गए कि मैं दोबारा मीटिंग करांगा देखो असी सरकार को बेनती करते हैं असी इस तरह मीटिंग इतने नहीं होने देनी और ये गल पक्की है कि पहला इन कहो जे तू प्रधान है तो पहला सारी जनरल बॉडी की मीटिंग सद और उस जनरल बॉडी की मीटिंग पास करके जो करना है वह कम कर जिहड़ा कोई तरीका बनया होया भी वो है। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।